वेलकम टू एएसआर जंगाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस 1 का सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक क्विक रिवीजन भी कर लेंगे फर्स्ट पार्ट का। ये देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। डॉबरेनर्स, ट्राइड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया। तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, डॉबरेनर्स ट्राइड सबसे पहले आया कि एलिमेंट्स जो है उनको क्लासिफाई करना है। तो उन्होंने एक्चुअली कैसे किया, उन्होंने सिर्फ तीन तीन एलिमेंट्स लिए और उनका एक ग्रुप बनाया, तीन की तिगड़ी ऐसे। तो ये तीन एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, कि सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो सबसे कम और सबसे हाईएस्ट, तीन में जो बीच का एलिमेंट था उसका अगर एटॉमिक मास देखते तो पहले और आखिरी वाले का मीन अगर लेंगे, एवरेज लेंगे एटॉमिक मास का, तो वो इसके साथ मैच करता है। जैसे उनकी पहली जोड़ी थी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है तीनों की। तो इनमें ये रिलेशन पाया गया कि तीन एलिमेंट्स ऐसे ले जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो वो उनका देखो, ये एटॉमिक मास लिथियम का है 66.9, पोटेशियम का 39.1, बीच में आता है सोडियम। तो 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज मीन लेंगे अगर, मतलब दो एलिमेंट्स है तो डिवाइड बाय 2 होता है, तो इसका आता है 23 और सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 है। तो ये जो उन्होंने ट्रायड्स बना इसको डॉबरेनर्स ट्रायड्स कहते हैं ना। एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। सो मेन पहले यही है कि ही टुक मेड अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल देम ट्रायड्स। तीन एलिमेंट्स लिया सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाली की, उनको अरेंज किया, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो ये रिलेशन आता है ना। तो ये डॉबरेनर्स ट्रायड्स हुए। ये देखिए, तीन एग्जांपल यहाँ दिए गए, थोड़े यहाँ पे भी क्वेश्चंस दिए गए कि ये है कि नहीं है, ये वाला फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला और थर्ड वाला है, तो ये डॉबरेनर्स ट्राइड है ना। तो ये जो है एग्जांपल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे। फिर सेकंड हमने देखा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या था, उन्होंने अगेन एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन्होंने देखा, ये देखिए टेबल बनाया और देखा कि अगर जैसे सुरों में सात सुर होते हैं, सारे गामा पधनी और फिर से सा रिपीट होता है एट अ हायर पिच, तो ये जो है आठवां एलिमेंट वो पहले जैसा ही होता है। तो वही उनका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे, जब उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया छोटे से बड़ा, तो जो आठवां एलिमेंट था वो पहले एलिमेंट जैसा था। तो ये उन्होंने ऐसे कॉलम्स बना लिए, देखिए सात कॉलम्स है, तो है ना, ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सिमिलर है ऐसे। तो ये उनका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, एवरी एट एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, फिर यही बात को आगे बढ़ा के मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बना। मेंडलीव्स ने सारे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऐसे ही अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब पीरियोडिकली रिपीट होती है। मतलब जैसे हमने देखा ना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी आठवां एलिमेंट फिर से फर्स्ट एलिमेंट जैसा है, तो ये प्रॉपर्टी रिपीट होती है, सिमिलर है। तो ये प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन कैसे, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के हिसाब से हम देखते हैं तो उनका प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए गए एलिमेंट्स। तो ये देखिए, ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स बनाया, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते। तो ये उनका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। तो ये देखिए इसमें, तो ये जो ग्रुप, हर ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सिमिलर है ऐसे, और पीरियड में ग्रेडेशन है, एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज ओवर ओवर ईच यू नो ईच पीरियड में, एक जैसे आगे बढ़ते हो वैसे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और फर्स्ट और लास्ट में तो काफी डिफरेंस होगा प्रॉपर्टीज में। तो ग्रुप में ग्रेडेशन होता है, धीरे धीरे प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टी और स्ट्रांग होते जाती है, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, वैसे ग्रेडेशन होता है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज वेरी होती है हॉरिजॉन्टली पीरियड्स में। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे कैसे, उन्होंने भी वही किया, एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन्होंने कहीं पे ब्लैंक जगह भी छोड़ी, देखिए जैसे यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो ब्लैंक जगह छोड़ी, उन्होंने कहा कि एटॉमिक, ये जो प्रॉपर्टीज है, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ आना चाहिए, टाइटेनियम, सिलिकॉन के साथ आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ है एल्यूमिनियम के साथ, कुछ आना चाहिए, लेकिन अभी ये तो लाइन से अरेंज करते तो इसको यहाँ डालेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने इसको यही डाला एलिमेंट को और कहा यहाँ पे एक और एलिमेंट आना चाहिए, और प्रिडिक्ट किया कि एलिमेंट मिलेगा, और वो प्रिडिक्शन सही भी निकला, उन्होंने एलिमेंट्स मिले, उनके एटॉमिक मास भी उन्होंने प्रिडिक्ट किए, तो ये सही निकला। ये एक मेरिट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, तो वो हम वो भी देख लेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, ये क्विक रिवीजन कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज का मॉडर्न पीरियोडिक
टेबल से। तो प्रोवर्डन पीरियोडिक लॉ भी आपको पता होना चाहिए, एक ही फर्क है कि यहाँ एटॉमिक मास की जगह मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर भी मैं एक बार फिर से बता दूंगी। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं पहले। मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो उन्होंने देखा कहीं पे उल्टा पुल्टा लग रहा है कि एलिमेंट्स एक्चुअली ऐसे फिट नहीं बैठते, प्रॉपर्टीज जो है ऐसे फिट नहीं बैठती, ये एलिमेंट पहले होना चाहिए ये बाद में, जैसे कि बेरिलियम और बोरॉन के बारे में। तो बेरिलियम और बोरॉन का एक्चुअली बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है वो 14.09 बोला जाता था, लेकिन एक्चुअल उसका एटॉमिक मास 9.4 है। तो बोरॉन के बाद बेरिलियम आता था, हालांकि बेरिलियम पहले आना चाहिए। तो जब मेंडेलीव को भी पीरियड ना ऐसे प्रॉपर्टीज में गड़बड़ लगी कि ये बेरिलियम यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ आना चाहिए, तो उन्होंने जब चेक करवाया तो पता चला कि एटॉमिक मास गलत डिटरमिन किया गया था, उसकी करेक्ट वैल्यू की गई। तो बिकॉज ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बेरिलियम्स एटॉमिक मास वॉज करेक्टेड एंड इट वॉज प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर। तो ये एक मेरिट है। दूसरा, उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया, वेकेंट प्लेसेस रखा पीरियोडिक टेबल में और प्रिडिक्ट किया, तीन एलिमेंट्स है फेमस, ये देखे, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। और ये तो तीन एलिमेंट्स उन्होंने बोला कि एक एल्यूमिनियम की तरह होगा, ये बोरॉन की तरह होगा, ये सिलिकॉन की तरह होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नाम दिया और ये तीन मिले। और उनका एक्चुअल नेम फिर है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली, मतलब एल्यूमिनियम का गैलियम, बोरॉन का स्कैंडियम और सिलिकॉन इज जर्मेनियम, एक का सिलिकॉन इज जर्मेनियम। तो ये सेकेंड मेरिट है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का। और फिर तीसरा है कि नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मेंडेलीव्स के टाइम पे नोबल गैसेस जो है इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वो टेबल में कहीं थे नहीं पीरियोडिक टेबल में, तो उनको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया, लंबा कॉलम, जीरो ग्रुप बोला उसको, और उनको अरेंज कर दिया, तो इजिली ये फिट बैठ गए, तो ये भी एक मेरिट माना जाता है। तो ये तीन मेरिट्स है। उसके बाद डीमेरिट्स जो है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के, वो है सबसे पहला क्योंकि वो एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स, तो इसीलिए चार डीमेरिट्स आते हैं, है ना। तो पहला है कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, तो थोड़े एलिमेंट्स उनके एटॉमिक मास सिमिलर आते हैं, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, ऑलमोस्ट उनका राउंड फिगर करेंगे तो सेम ही होता है, तो पहले कौन सा है बाद में कौन सा है समझ में नहीं आता। आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास अलग है। एटॉमिक नंबर सेम है तो वो एक ही एलिमेंट होते हैं, उसके आइसोटोप्स होते हैं, जैसे काफी सारे एलिमेंट्स का आइसोटोप्स होते हैं। तो ये जो है जैसे क्लोरीन का या किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप होगा तो वो सिमिलर ही होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर होती है, लेकिन वो एटॉमिक मास उनके अलग हो सकते हैं, तो वो जो है एटॉमिक मास अलग है। तो जब एटॉमिक मास अलग हो गए तो फिर मेंडेलीव कहेगा अलग 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 रखो, लेकिन है तो एक्चुअली वो सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स, तो ये दिक्कत आती है। आइसोटोप्स अलग अलग जगह पे डालेंगे तो गलत हो जाएगा, और मेंडेलीव के टाइम पर आइसोटोप्स डिस्कवर भी नहीं हुए थे। तो ये एक डीमेरिट है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, अगेन बिकॉज ऑफ एटॉमिक मास, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास लिया एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तीसरा था कि राइज इन एटॉमिक मास भी यूनिफॉर्म नहीं होता। जब हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर सिक्वेंशियली इंक्रीज होता है, प्लस वन से इंक्रीज होता है, एटॉमिक मास में ऐसा है नहीं, तो प्रिडिक्ट करना भी इजीली नहीं है कि है ना हर एक एटॉमिक नंबर पे एक एलिमेंट होना चाहिए, तो हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि ये एटॉमिक नंबर पे एक एलिमेंट मिसिंग है, एटॉमिक मास में ऐसा है नहीं। हालांकि मेंडेलीव ने प्रिडिक्ट किया, वो अपने इससे प्रिडिक्ट किया, उन्होंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग से और जैसे स्टडी की थी उस हिसाब से वो प्रिडिक्ट कर पाए, पर इजीली प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, ये क्लियर नहीं है एटॉमिक मास से अगर एलिमेंट्स अरेंज करेंगे तो, क्योंकि दो दो के बीच में मिसिंग है तो कितने मिसिंग है नहीं बता सकते, है ना। फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक एम्बिग्विटी है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने हैलोजन्स के साथ सिमिलर है रखा हुआ है, लेकिन हैलोजन्स के साथ और अल्कलाई मेटल्स ग्रुप वन और ग्रुप सेवन दोनों के साथ हाइड्रोजन की सिमिलरिटी है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में एम्बिग्विटी है। लेकिन जो ये है ये तो प्रॉब्लम इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। तो फोर्थ डीमेरिट जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कंटिन्यू करती है, फर्स्ट थ्री निकल जाती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है वो हम देखेंगे, यहाँ से शुरू होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये हमारा 10 मिनट्स रिवीजन हो गया, आप शुरू करते हैं। तो एक बार एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को भी कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम तो हमको एटम के बारे में पता होना चाहिए। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यू नो ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट सबसे छोटा जो एलिमेंट ही रहेगा वो एटम होता है। एटम के सब पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो हर एक पार्ट फिर सिमिलर होता है। मतलब एक एटम मतलब एक हाइड्रोजन का एक एटम हो सकता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का प्रोटॉन ऐसे नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबके सिमिलर ही होते, पर वो कॉम्बिनेशन से अलग अलग एलिमेंट्स बनते। तो वन स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एलिमेंट विल बी एन एटम।
फिर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे देखिए तीन होते हैं। तो पहला तो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो यहाँ पे न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसके अंदर वेट होता है, वजन जो होता है वो मास जो होता है मेनली यहाँ का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ऑलमोस्ट नेजलिजिबल मास होता है। तो एटॉमिक मास जब हम लेते हैं तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हम करेंगे तो दैट इज द एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक नंबर जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स, अब और एक चीज है, मास किस में है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, और चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस में है, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, नो चार्ज। तो ये हमको ये क्लियर होना चाहिए मेन कंसेप्ट एटम के बारे में। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सेम ही होते हैं। तो ये मेनली एटम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर क्लियरली समझ सकते हैं। ये देखिए, अब देखते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर, अब देखेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर भी। तो देखिए हमने ऑलरेडी समझ लिया, अभी एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक ही नंबर होगा, इक्वल होते दोनों, और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, तो उनका एडिशन जो होगा वो मास नंबर होगा। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऊपर आता है, जेड से डिनोट किया जाता है, और ए से एटॉमिक मास नंबर डिनोट किया जाता है, तो ऐसे एलिमेंट को लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर नीचे। तो ये है, तो अब आई थिंक आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर क्लियर हो गया है। अब शुरू करते हैं चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। तो अब देखो यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया। तो हेनरी मोजले इंग्लिश साइंटिस्ट थे, 1933 में उन्होंने बताया एटॉमिक नंबर के बारे में, कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये जो है कंसेप्ट एटॉमिक नंबर का आया, एंड दैट इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। तो एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मास की जगह अब एटॉमिक नंबर कर दिया और सब सही बैठ गया। तो डॉबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीव सबने जो किया, एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशंस किए और उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए। पर अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। तो अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम भी है, एक मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की एम्बिग्विटी अभी भी है। जैसे हमने देखा डीमेरिट जो मेंडेलीव में था वो यहाँ कंटिन्यू होता है। हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप वन अल्कलाई मेटल्स में भी फिट बैठता है और हैलोजन के साथ भी फिट बैठता है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप सेवन है, यहाँ पे ग्रुप 17 है हम देखेंगे। देखिए फिर और एक कंसेप्ट जो आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम जो है, ये तो हमको पता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको अरेंज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होते हैं, मतलब जैसे जैसे सोलर सिस्टम है, बीच में सन होता है, उसके आजू बाजू ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही बीच में न्यूक्लियस होता है एटम में और उसके आजू बाजू ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो अलग अलग ऑर्बिट्स होती है, एक उसके आगे और एक उसके आगे और एक, और ये ऑर्बिट जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, प्लैनेट्स है, लेकिन हर एक ऑर्बिट में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिट बैठ सकते हैं वो एक रूल है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो है दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम टू। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम एट, इवन थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम एट। तो वो हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है कोई भी एलिमेंट का। तो हम इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक ही होते हैं, तो एटॉमिक नंबर इसका वन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन मतलब एटॉमिक नंबर वन। तो इसका फर्स्ट शेल में एक ही एलिमेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, हो गया, फिल हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर टू है। अभी देखो एटॉमिक नंबर कैसा होता है, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट चेंज होता जाएगा और एक एक नया नया एलिमेंट आएगा, तो एटॉमिक नंबर जो है प्लस वन से इंक्रीज होता है। तो ये एक मेरिट है, एटॉमिक मास में ऐसा नहीं होता ना। तो ये देखिए, तो ये अभी है नंबर ऑफ हीलियम टू हो गया, लिथियम ना 1 2 3 4, ये इनके जो है एटॉमिक नंबर दिए गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे ये एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक आ गया, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट ही फुल हो गई, हो गया, एक ही ऑर्बिट होती है। लिथियम एटम में तीन इलेक्ट्रॉन है तो दो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, एक सेकंड में।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखे जाता है, जैसे ये ब्रैकेट में भी बना के आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 2,1, फिर 4 है तो 2,2, 5 है तो फर्स्ट ऑर्बिट तो 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, फिर ये 8 तक जाएंगे। जब ये 8 हो गया, जैसे नियॉन में 10 है एटॉमिक नंबर, तो 2,8 कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और आएगा, वो थर्ड शेल में, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, ये 11वां इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। वैसे ये 8 तक जाएगा, जब ये भी 2,8,8 हो गया, मतलब कितना, 18, आर्गन का 18 है। ये देखिए फुल कंप्लीट ऑर्बिट कौन से होते हैं, इनर्ट गैसेस की, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब इनर्ट गैसेस है, ये रिएक्ट भी नहीं करते। अगर उनके पास वैलेंसी होती है, वैलेंसी का कंसेप्ट भी आएगा आगे, तो वैलेंसी मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, तो इनको एक्चुअली ऑर्बिट जो है कंप्लीट करनी होती है एलिमेंट को, तो ये जो एटम्स है फिर रिएक्ट करते हैं और इनकी ऑर्बिट कंप्लीट होती है, वो पूरा हम आगे भी देखेंगे। तो ये जो है इनर्ट गैसेस, वो रिएक्ट भी नहीं करते क्योंकि उनके ऑर्बिट ऑलरेडी कंप्लीट है। जैसे हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट, नियॉन 2 ऑर्बिट से दोनों ऑर्बिट कंप्लीट, आर्गन अगेन 3 ऑर्बिट्स तीनों कंप्लीट। वैसे फिर चौथी ऑर्बिट शुरू होती है पोटेशियम से, ऐसे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 19 है ना, तो 2,8,8 करके जितना ऐड करके 19 होना चाहिए। वैसे हम कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देंगे उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े यूज या ब्रेन पावर के सवाल है, 4 सवाल, तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, हाउ इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल रिजॉल्व्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कोबाल्ट और निकल का देखिए एटॉमिक मास सेम है, 59 59, तो इनका प्रॉब्लम था ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कि निकल पहले आएगा कोबाल्ट पहले आएगा, कैसे पता चले। तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं आता ये प्रॉब्लम, क्यों नहीं आता, क्योंकि कोबाल्ट एंड निकल हैव सेम एटॉमिक मास, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एम्बिग्युटी आती है, समझ में नहीं आता है। लेकिन उनका एटॉमिक नंबर अलग है ना, कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, नहीं अलग एटॉमिक नंबर मतलब ये अलग एलिमेंट है, और वो एटॉमिक नंबर अगर ये है तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट ही हो सकता है। जैसे एटॉमिक नंबर 6 है तो वो एलिमेंट कार्बन ही हो सकता है, और कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर से हम पता कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट है, यूनिक है, जो एटॉमिक मास नंबर यूनिक नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसा है, कोबाल्ट और निकल में अलग एटॉमिक नंबर है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम नहीं आती। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, निकल का 28, तो क्लियर है कि कोबाल्ट पहले आएगा निकल बाद में, लेकिन मास सेम है तो फिर एटॉमिक मास नंबर सेम है तो वो डिफिकल्टी हो जाती है। फिर दूसरा सवाल है, हाउ डिड द पोजीशन ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, मतलब ये दो आइसोटोप्स है क्लोरीन के, उनका प्रॉब्लम कैसे फिक्स हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि इनका एटॉमिक मास नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है ना। सो दे आर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन बट दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम पोजीशन में आएंगे। तो सारे आइसोटोप्स वही टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे आएंगे, वो एलिमेंट के साथ ही आएंगे, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में दे कैन नॉट बी प्लेस टुगेदर। मगर वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप्स की, थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो सेम एटॉमिक नंबर भी है तो ऑफकोर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दे ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन। तो आइसोटोप्स का जो डीमेरिट था मेंडलीव्स में वो यहाँ निकल गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तीसरा सवाल है, कैन देयर बी एन एलिमेंट विद एटॉमिक मास 53 और 54 इन बिटवीन क्रोमियम एंड मैंगनीज। क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 है और मैंगनीज का 55, एटॉमिक नंबर देखो 24 25 है, तो इसके बीच में कोई गुंजाइश नहीं और कोई एलिमेंट की, एटॉमिक नंबर प्लस 1 से इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक मास से हम सिर्फ देखते तो हमको समझता नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर से जब हम देख रहे तो हमको क्लियरली पता चल रहा है कि क्रोमियम मैग्नीशियम दे हैव सीक्वेंशियल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में गैप है, एटॉमिक मास नंबर में गैप है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर में कोई गैप नहीं है तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्रोमियम और मैग्नीज के बीच में, ठीक है। और लास्ट सवाल है, व्हाट डू यू थिंक, शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 17 ऑफ हैलोजन्स और ग्रुप 1 ऑफ अल्कलाई मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की एम्बिग्युटी कंटिन्यू होती है, जैसे हमने पहले भी देखा जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होती है रिगार्डिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1 है, तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसकी ऑर्बिट कंप्लीट होगी, या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी उसकी ऑर्बिट कंप्लीट होती है। तो हाइड्रोजन दोनों कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन इजीली डोनेट्स, एक्सेप्ट से ज्यादा इट इजीली डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म्स ऑफ स्टेबल पॉजिटिव आयन H+, इट रेयरली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयन अनस्टेबल होता है उसका। तो अगर H+ ज्यादा बनता है, कैटायन ज्यादा बनता है, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में जो है अल्कलाई मेटल्स के साथ बेटर फिट बैठेगा।
देयरफॉर हाइड्रोजन शुड बी प्लेस विद ग्रुप वन ऑफ अल्कलाई मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये हमारे सवाल हो गए, चार सवाल यूज ऑफ ब्रेन पावर के। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है, हमने देखा पीरियड्स और ग्रुप्स मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में भी थे। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स है ना, और ग्रुप्स 18 है। वहां पे 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स थे मेंडलीव्स में, मॉडर्न पीरियड में 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, तो ग्रुप्स ज्यादा है यहाँ पे। और ये पीरियड्स जो है 7 रोज, तो उसके अलावा और दो रोज है, इनको सेपरेटली बताया जाता है, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो समझेगा, ये सेपरेटली बॉटम पे दिखाया जाता है। तो सारे 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में फिट बैठते हैं, ये देखिए ऑल 118 नोन एलिमेंट्स है, ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये देखिए ग्रुप्स 1 से लेके 18 तक, तो ये ग्रुप 18 इज इनर्ट गैसेस है ना, हीलियम नियॉन आर्गन का, और ग्रुप 17 इज हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और ग्रुप 1 इज अल्कलाई मेटल्स, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। अभी हमने देखा ग्रुप 1 अल्कलाई मेटल्स के साथ हाइड्रोजन फिट बैठता है, और ग्रुप 2 इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम है ना। तो ये जो है ये एक्सेट्रा है, पूरा नीचे तक ग्रुप है। तो ये 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है, ये देखिए 7 पीरियड्स है यहाँ तक। इसके अलावा दो और जो पीरियड्स है, दो और रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ये क्या है, ये देखिए सिंबल दिखाया गया है, तो ये स्टार सिंबल यहाँ का एक्चुअली है, फ्लावर स्टार जो भी मानो। ये 57 to 71 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स, ये जो ग्रुप 3 के है वो यहाँ पे लंबा पूरे दिखाए गए है। तो ये सब एक ही बॉक्स में या फिट बैठाया गया है, और इनको अलग से ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखाया गया। तो ये लैंथेनाइट सीरीज मानी जाती है और ये एक्टिनाइट सीरीज, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, ये अल्कलाई और मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 1 2 है उसको एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक मतलब ये देखिए ग्रुप 13 से लेके 18 तक, ये पी ब्लॉक है ना। लिथियम बेरिलियम कैल्स बोरॉन के बीच में इतना लंबा गैप है, तो नौ एटॉमिक नंबर 5 यहाँ आता है, 1 2 इधर आया हीलियम, फिर 3 4 5 इधर आया, तो ये जो बीच के एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये एटॉमिक नंबर 5 से, मतलब ग्रुप 13 से, ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 13 पे जंप होता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन ग्रुप 13 में जाता है। तो ये एस ब्लॉक है, ये 13 टू 18 ग्रुप्स पी ब्लॉक है, और बीच का जो ये एलिमेंट्स है ये पीरियड 4 में आते हैं, पीरियड 1 2 3 में यहाँ बी ब्लॉक के कोई एलिमेंट्स नहीं है, पीरियड 4 से है। तो ये जो है यहाँ पे स्कैंडियम टाइटेनियम ये सारे जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स जो है इसको डी ब्लॉक कहा जाता है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाते हैं। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मीन्स लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। तो वही यहाँ मेंशन किया गया, अभी हम जहाँ पे थे देखते गिरा। तो एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस पी डी एंड एफ। एस ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 2, ग्रुप 13 टू 18 पी ब्लॉक, ग्रुप 3 टू 12 जो बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो डी ब्लॉक है ना, यहाँ लिखा है देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक मतलब लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। इसके अलावा और एक चीज है, जिगजैग लाइन है पी ब्लॉक में, वो हम देखेंगे। पी ब्लॉक में जिगजैग लाइन मतलब जो ये 13 टू 18 वाले ग्रुप्स थे उधर जिगजैग लाइन पे, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स जिगजैग लाइन से डिवाइड होते हैं, मेटल्स लेफ्ट साइड पे, नॉन मेटल्स राइट साइड पे, और मेटलाइट्स ऑन द जिगजैग लाइन। तो ये भी हम देख लेंगे, ये देखिए पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में जो जिगजैग लाइन है ये जैसे सीढ़ी की तरह दिखाया गया है। तो सारे जो मेटल्स है वो ये नीचे है, एल्यूमिनियम गैलियम ये सब मेटल्स है। नॉन मेटल्स जो है वो राइट साइड पे, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर, ये सारे नॉन मेटल्स है। और जो मेटलॉइड्स है वो इस जिगजैग लाइन के ऊपर है, जैसे कि सिलिकॉन जर्मेनियम एक्चुअली ये जो है वो मेटलॉइड्स है। तो मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स आर ऑन दी जिगजैग लाइन। तो ये एक सिमिलर एक पॉइंट भी यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक दिखती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फिर आगे देखते क्या है, ये देखिए अब यहाँ पे शुरू होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्लियरली समझ लिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियरली पता चलता है कि ग्रुप और पीरियड क्या होगा एलिमेंट का। तो ग्रुप कैसे डिटरमिन होता है देखिए, और ये भी हमने देखा कि ग्रुप में सिमिलैरिटी, एक ग्रुप के एलिमेंट से पूरे लंबे लाइन में तो सब एलिमेंट सिमिलर है, और उनका ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन है मतलब धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटेंस होती जाती है या कम होती जाती है, ऐसे ग्रेडेशन होता है। और पीरियड पे कैसा है, हर एक शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे ना चेंज होते जाएगा एलिमेंट्स। जैसे इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं ग्रुप और पीरियड समझने को, समझो फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्लासरूम के सारे बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया,
ग्रुप कैसे लंबा लंबा सीधा सीधा ग्रुप में खड़ा कर दिया हमने उनको, समझो सब पतले बच्चे जो है पतलों को एक लाइन में डाल दिया, फिर उसके बाद और उस नेक्स्ट ना थोड़े थोड़े मोटे और मोटे और मोटे एकदम मोटे, तो ऐसे करके हमने समझो ग्रुप्स बना दिए। अब ग्रुप्स में एक फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें सब पतले बच्चे, लेकिन उनको फिर हमने और अरेंज किया समझो पतलों में, फिर हमने उनको हाइट से अरेंज किया सबसे शॉर्ट से सबसे हाईएस्ट। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप में सारे बच्चे जो है सिमिलर ही है, पतले ही है, लेकिन धीरे धीरे उनका ग्रेडेशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है ऐसे। और अगर हम पीरियड में जाएंगे, अगर एक हॉरिजॉन्टली हम सबको खड़ा किया तो फर्स्ट लाइन में हम सबको देखेंगे तो सबसे पहला ग्रुप का बच्चा होगा वो सबसे पतला होगा, सबसे पहला बच्चा जो लास्ट ग्रुप का होगा वो एक ही पीरियड में होगा, फर्स्ट लाइन में ही होगी हॉरिजॉन्टली, लेकिन वो सबसे मोटा होगा। तो ये एक एक स्टेप पे हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हॉरिजॉन्टली तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है स्लोली, और फर्स्ट से लास्ट में तो बहुत फर्क होगा ऐसे। तो ये ग्रुप और पीरियड का कंसेप्ट है, ग्रुप में कहते हैं सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन है, और पीरियड में प्रॉपर्टी स्लोली चेंज होते जाती है, एक एक स्टेप पे चेंज होते जाती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हाँ, तो ये देखो विद इन अ पीरियड द नेबरिंग एलिमेंट्स डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है स्लाइटली, और एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। तो ये है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड कि कहाँ होगा वो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे डिसाइड होता है, यहाँ देखिए कैन यू टेल में भी हमको थोड़ा आइडिया मिलेगा। ये देखिए, गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम्स वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन, ग्रुप वन के एलिमेंट्स क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिस्ट बनाई है मैंने, ग्रुप वन में है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांशियम। तो ये आप पीरियोडिक टेबल जो पेज नंबर यहाँ पे नीचे है, पेज नंबर आता है ये, मैं बताऊँ आपको पेज नंबर है 23, तो पेज नंबर 23 से आप ये देख के बना लिस्ट भी बना सकते हैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स ये रहे। सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू टेल मी अब कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ऑफ द फर्स्ट फोर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और पोटेशियम, एटॉमिक नंबर इनका यहाँ दिया गया है, 1 है 3 है 11 है 19 है, आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1 का 1 3 का 2 कॉमा 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8, तो सोडियम है तो 2 कॉमा 8 कॉमा 1, पोटेशियम 2 कॉमा 8 कॉमा 18 कॉमा 1, है ना। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तीसरा सवाल है विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटी है कि हर एक का वैलेंस जो है वैलेंसी वो 1 है, क्योंकि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी इज आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स स्मॉलर नंबर, मतलब अगर 2.8.6 होता है तो 6 है तो मतलब 8 बनाने के लिए 2 और चाहिए, तो उसकी वैलेंसी 2 होती है, 6 नहीं होती है। तो 8 से सब्ट्रैक्ट करके अगर स्मॉलर नंबर आता है तो वो, या तो फिर जो नंबर है बाहर लिखा है वही, तो ये वैलेंसी इसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए तो इसकी वैलेंसी सबकी वैलेंसी 1 है, तो सिमिलैरिटी क्या है ग्रुप 1 में कि सबकी वैलेंसी 1 होगी। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 में एलिमेंट है मतलब उसकी वैलेंसी 1 है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स देयर इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो ये है, ठीक है। फिर आता है यहाँ चार सवाल होने के बाद ये पार्ट, तो ये देखिए, तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप दैट ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनके हमेशा सेम होंगे, एक ही ग्रुप में होंगे। तो ग्रुप 2 फॉर एग्जांपल अगर लेंगे तो यहाँ पे है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो ग्रुप 2 इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैंने पहले ही बताया ग्रुप 1 इज अल्कलाइन मेटल्स ग्रुप 2 इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 2 की वैलेंसी हर एक एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी, मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अगर ग्रुप 17 ले रहे हैलोजेंस, तो ग्रुप 17 हैलोजेंस में हर एक की वैलेंसी जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होती है आउटरमोस्ट शेल में, तो मतलब उनकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और यहाँ पे एक और चाहिए, तो वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। और एक चीज यहाँ दिखाई गई है, देखो व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन एनी ग्रुप, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे ग्रुप में, यहाँ पे है ये तो हाइड्रोजन फिर नीचे लिथियम, जैसे जैसे एक एक नीचे जाते जा रहे हैं वैसे ऐसे एक एक ऑर्बिट एक एक शेल ऐड होते जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो यहाँ पे लिखा है, देखो टॉप टू बॉटम 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट्स एडेड एट अ टाइम, बराबर। तो ये है, फिर आगे यहाँ पे डू यू नो का बॉक्स है, ये देखिए यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, तो एटॉमिक नंबर 92 तक जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल एलिमेंट्स है, नेचर में हमको मिले है, उसके आगे जो भी एलिमेंट्स है वो सारे मैन मेड एलिमेंट्स है, मतलब कि ये लैब में बनाए जाते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर है ना, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो यूरेनियम में तो नया एलिमेंट बन जाएगा,
93 ऐसे करके 118 तक एलिमेंट्स बनाए गए। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है 92 के आगे वो रेडियो एक्टिव है और अनस्टेबल है और उनकी बहुत शॉर्ट लाइफ है। तो मैन मेड एलिमेंट्स है और सारे के सारे रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल है। फिर ये देखिए, ये तीन पॉइंट्स लिखे गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, एक रिवीजन जैसा ही है कि ग्रुप्स कितने हैं 18, केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन, वापस वही बात रिपीट हुई जो हमने अभी डिस्कस किया। पीरियड 7 है और यहाँ पे जो है चेंज स्लोली, तो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन और चेंजेस स्लोली, ठीक है। फिर हमने पीरियोडिक टेबल भी एक नजर देख लिया है। इसके आगे अब है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हमने देखा ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हर एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है और कैसे एक एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होते जाएगा ग्रुप में, और हर एक एलिमेंट ग्रुप में हर एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है। अब यहाँ पे जो है वो है पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पे देखो, कैन यू टेल मी अगेन, सवाल जो है वो क्या है। On going through the modern periodic table, it is seen that elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon belong to period 2. तो ये सारे period 2 के elements हैं, तो इनके electronic configuration लिखने को कहा गया। तो ये देखिए, ये period 2 के elements हैं, इनके सबके electronic configuration लिखने हमको। तो ये देखिए, lithium सबका atomic number यहाँ दिया गया है। तो ये देखिए, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.1, 3, 4, 5, 6, ये सब पीरियड है ना। पीरियड में मतलब एक के बाद एक एलिमेंट एक एक एटॉमिक नंबर से इंक्रीज होता है। तो ये एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, 3 का 2.1, 2, 2, 2, 3, ये 8 तक जाता है। नियॉन पूरी ऑर्बिट कम्प्लीट है, 2.8 है। तो एक पीरियड में अगर हम एलिमेंट्स देखेंगे तो क्या सिमिलैरिटी दिख रही है वो हम स्टडी करना है। तो ये हमने देखा। सेकेंड सवाल है, इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स? नो, हर एक का अलग है ना। जैसे ये देखिए, यहाँ पे क्या है, 2.1 है तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। 2.2 है तो ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 है। इधर वैलेंसी 3 है, इधर वैलेंसी 4 है कार्बन की, है ना, लेना भी 4 देना भी 4, तो इसकी वैलेंसी 4 है। यहाँ पे 5 है तो 5 + 3 = 8 हो जाता, तो इधर वैलेंसी 3 है, ये याद रखना है। यहाँ वैलेंसी 5 नहीं बोली जाती क्योंकि 3 छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर हम लेंगे तो 3 दे के हो जाएगा, 3 लेके हो जाएगा, देना क्यों, 5-5 क्यों देना, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लो तो ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी। तो लेने देने से या शेयर करने से ऑर्बिट कंप्लीट होती है, या तो गिव एंड टेक या तो शेयरिंग। तो गिव एंड टेक करना है तो ये 5 क्यों गिव एंड टेक करेंगे ना, 3 देना है कि लेना है। नाइट्रोजन सोचेगा मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो मैं किसी से 3 लूं कि 5 दू, 5 क्यों दू, बड़ा नंबर क्यों दू, तो 3 ले लूंगा मैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमेशा नाइट्रोजन जो 3 लेता है, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, और शेयर भी करना है तो 3 ही शेयर करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये है, और ऑक्सीजन का अगेन वैलेंसी आएगी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी आएगी 1, नियॉन की 0 क्योंकि 8 है कंप्लीट हो गया। तो ये इनकी वैलेंसी है, तो वैलेंसी सबकी अलग अलग है, सेम नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन वही, इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम इन ऑल दीज एलिमेंट्स? नो। इज द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन ऑल दीज एलिमेंट्स? पीरियड जो सेम पीरियड होगा, पीरियड 2 है तो दो शेल्स है, तो पीरियड जितना पीरियड नंबर है उतने शेल्स हो गए, ये बात है ना। यहाँ पे दिखाया गया नंबर ऑफ शेल्स इज द सेम। सो देखिए, ये जो है यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं एक पीरियड के, ये पीरियड 2 अगर यहाँ पे है तो देखिए लिथियम बेरिलियम है ना, ये पीरियड 2 है। पीरियड 3 हम देखेंगे तो आर्गन तक आता है, आर्गन का देखो 2, 8, 8 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे, मतलब 2, 8, 8 मतलब इसका एटॉमिक नंबर 18 है, एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम का होता है, तो 2, 8, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना, 1 अभी नेक्स्ट फोर्थ ऑर्बिट में आ गया, फोर्थ पीरियड मतलब नया ऑर्बिट एड हुआ। तो एवरी पीरियड में जो है एक पीरियड है, मतलब पीरियड 3 है तो 3 ऑर्बिट होगी, पीरियड 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट ऐड हुआ, ये देखिए है ना। तो एक एलिमेंट जो है फोर्थ ऑर्बिट में आता है पोटेशियम एटम में, ये आर्गन एटम है, ये पोटेशियम एटम है। तो नंबर ऑफ शेल्स इज द सेम इन ईच पीरियड एंड विद इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ये हमको पता है। फिर आगे है एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स आर इन द सेम पीरियड, बराबर। तो ये देखो, सेकेंड पीरियड है तो 2 शेल्स हो गए, मतलब शेल के नाम होते हैं, फर्स्ट शेल को कैपिटल के कहते हैं, सेकेंड शेल को कैपिटल एल, थर्ड शेल को कैपिटल एम। तो फर्स्ट पीरियड 2 शेल्स होते हैं, सेकेंड पीरियड 2 शेल्स होते हैं, थर्ड पीरियड 3 शेल्स होते हैं ऐसे। फर्स्ट पीरियड 1 शेल होता है, हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट्स है फर्स्ट पीरियड में, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 2, तो एक ही शेल होता है के।
ऐसे। और ये देखिए, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड अ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल स्टार्ट्स फिलिंग अप। तो ये भी हमने अभी देखा आर्गन और पोटेशियम के एग्जाम्पल में। और फिर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है हर एक शेल की, तो इट इज डिसाइडेड बाय टू थिंग्स। ये देखो, डिटरमिंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमिंड, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज डिटरमिंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट भी होता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे ये टेबल 2.9 ये है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हर एक शेल की यहाँ दी गई है, उसका फॉर्मूला होता है 2n2। मतलब अगर के जो है नंबर वन एटॉमिक शेल है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2n2, मतलब 2 × 1² 2। एल का 2 × 2² 8। एम का एक्चुअली 18 है, पर हमने देखा 288 ही आता है, मैक्सिमम 8 ही आते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हालांकि 18 है, पर इट इज नॉट जस्ट डिटरमिंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑर्बिट कितना होगा, इट इज डिटरमिंड बाय इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स एंड ऑल्सो द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट भी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक्चुअली 288 होता है, ये भी 32 नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटी भले ज्यादा है लेकिन लॉ के हिसाब से फिर ये 8 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। मतलब दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तो 18 डाल तो सकते पर ऑक्टेट के रूल में ये नहीं बैठता। तो यहाँ पे 2 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं और एन में मैक्सिमम 18, तो 2 8 8 18 ऐसे एक्चुअली आता है ये। ठीक है, तो देखो, तो एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स यहाँ पे दिया गया है। देखो, 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड, 8 एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स, नॉट 18, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 18, बट लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट की वजह से इट इज ओनली 8 एलिमेंट्स इन थर्ड, एंड फोर्थ में भी 18 होते, नॉट 32। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है देखिए, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द शेल नंबर ऑफ द वैलेंस एंड द शेल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। तो अभी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितनी वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे कि हैलोजन से उसमें वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि एक ही वैलेंसी 1 है कि हम एक ही इलेक्ट्रॉन ले देके उसका काम हो जाता है। 7 एटॉमस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी 1 है। तो अब ये वैलेंसी 1 है तो मतलब सिर्फ एक से ही हो रहा है, मतलब वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, हैलोजन्स काफी रिएक्टिव होते हैं। एल्कली मेटल्स में भी वैलेंसी 1 है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी काफी रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो है वैलेंसी के पर डिपेंड करता है, और शेल नंबर पे भी, कि कौन सा शेल नंबर है, कम ज्यादा शेल्स कितने शेल्स है एलिमेंट के, तो उस हिसाब से ये जो है केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड होती है कि रिएक्टिव कितना होगा, कितना इजिली वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन उस एलिमेंट का होगा। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमिंड बाय टू थिंग्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट एंड द शेल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हैवी एलिमेंट होगा तो बहुत सारे शेल्स होंगे ऐसा। अब नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके तो ये हम लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में, थर्ड पार्ट में हम ये कवर करेंगे। अभी के लिए हैवी हो गया, सो दैट इज इट फॉर नाउ। थैंक यू।